आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। खाली बस, बस के बाहर रास्ते पर फैला घना कोहरा और अंधकार, ये तीनों ऐसी चीजें थीं जिससे कोई भी इंसान डर जाए। मुझे भी काफी डर लग रहा था, मगर मैं क्या करता, मेरी तो मजबूरी थी ऐसे सफर करने की। वरना अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसे सफर करता ही नहीं। बस उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी। बस के अलावा रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई इंसान। दरअसल मैं आज अपने दोस्त विकास के घर जा रहा हूँ, वो भी पहली बार। मैंने विकास को कहा था कि मैं कल सुबह वाली बस से आ जाऊंगा, मगर उसी ने कहा कि अगर मैं आज रात को आया तो एक रात ज्यादा उसके घर पर रह पाऊंगा, इसलिए मुझे रात वाली बस पकड़नी पड़ी। खैर, विकास और मैं कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उसके लिए इतनी तकलीफ तो बनती ही है। मैंने कंडक्टर को बोल कर रखा था कि तालघाट चौक पर मुझे उतार दे, जिसके बाद अभी चौक पर से विकास मुझे पिक कर लेगा। कुछ देर बस यूं ही चलती रही, जिसके बाद पता नहीं क्यों अचानक से मेरी आंख लगने लगी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, शायद ठंड के कारण मुझे नींद आ रही थी या फिर कुछ और। अभी मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी कंडक्टर जोर से बोला, तालघाट चौक आ गया साहब, उतरो। कंडक्टर के इतना बोलते ही बस रुकी। मैंने फटाफट से अपना सामान उतारा और बस से नीचे उतर गया। बस से नीचे उतरते ही मेरा स्वागत एक तेज ठंडी हवा के झोंके से हुआ। वो बस भी मुझे उतारकर वहां से आगे चली गई। मैंने अपने जेब से फोन निकाला और विकास को फोन लगाने जा ही रहा था कि पता चला कि मेरा फोन ऑफ हो चुका है। मेरी परेशानी एक ही झटके में पहाड़ जितनी बड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, विकास से कांटेक्ट करूं कैसे, क्योंकि विकास ने तो मुझसे यही कहा था कि तालघाट चौक पर उतरकर मुझे फोन करना, मेरा घर पास में ही है, मैं बाइक लेकर आ जाऊंगा। पर अब मैं विकास को कैसे फोन करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि उस रास्ते पर मेरे अलावा कोई शख्स नहीं था। पूरा का पूरा चौक खामोशी में डूबा हुआ था। अभी मैं वहां खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से मुझे एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। उस बाइक को देखकर मेरी जान में जान आई कि चलो अब मैं इस आदमी से उसका फोन मांग कर विकास को फोन कर सकता हूं। मगर वो बाइक जब मेरे करीब आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो बाइक सवार शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद विकास ही था। विकास ने अपनी बाइक को मेरे पास लाकर रोका और बोला, क्या हुआ, फोन क्यों नहीं किया तूने? इस पर मैंने जवाब दिया, अरे भाई मेरा फोन ऑफ हो गया था, मैं कैसे करता फोन। इस पर विकास बोला, चल कोई नहीं, बैठ बाइक पर, रात काफी हो गई है। विकास के इतना कहते ही मैं उसकी बाइक पर चढ़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही विकास ने बाइक को आगे बढ़ा लिया और हम लोग उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी की माने तो तब रात के 9:15 बज रहे थे। मगर एक चीज बड़ी अजीब थी, रास्ते पर कोई इंसान नहीं था। पर ऐसा क्यों, आखिर इतनी जल्दी ही रास्ता इतना सुनसान क्यों हो गया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक और बात मैंने अभी नोटिस की कि आखिर विकास को पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूं, मैंने तो उसे फोन किया ही नहीं।
इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और विकास से पूछा, विकास तुझे पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूं? इस पर विकास बोला, मुझे यहां आने वाली सभी बसों की टाइमिंग पता है, सब जानता हूं मैं। विकास से ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली। बाइक पर तेज ठंडी हवा मेरे बदन पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई बर्फ के गोले मार रहा हो। मुझे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं विकास से पीछे बैठा हुआ था। ज्यादा ठंड विकास को लगनी चाहिए थी, तो फिर मुझे क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा था जैसे हवा विकास के शरीर को आर पार करके सीधे मुझे लग रही हो। खैर, मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। विकास को बाइक चलाते हुए अब काफी वक्त हो चुका था, मगर अभी तक उसका घर नहीं आया था, जबकि फोन पर तो विकास ने ये कहा था कि उसका घर चौक से नजदीक पड़ता है, तो फिर अभी तक हम लोग घर क्यों नहीं पहुंचे? इसी तरह के हजारों सवाल अब धीरे धीरे मन में उमड़ने लगे थे, मगर मुझे विकास से ऐसे बार बार पूछना भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सोचा, विकास का घर जब आ जाएगा तो वो मुझे खुद ही उतरने के लिए बोलेगा। मन को ये समझा कर मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। कुछ ही देर में विकास ने बाइक को एक बड़े से घर के पास रोका। वो घर काफी बड़ा था, जो कि चांद की रोशनी में मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा था। पर विकास का घर इतना बड़ा है, ये मुझे उसने पहले बताया नहीं था। खैर, विकास और मैं, हम दोनों घर के दरवाजे पर गए। विकास ने घर का दरवाजा सरकाया और हम लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा फैला हुआ था। घर के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी, जिस पर मैंने विकास से पूछा, लाइट नहीं है क्या यहाँ पर? इस पर विकास ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ शायद लाइट चली गई होगी। चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देता हूँ, तू जाकर सो जा, बहुत थक गया होगा। विकास की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि मैं पहली बार उसके घर पर आया हूँ। उसने ना तो मुझे खाने के लिए पूछा और ना ही मुझसे सही से बात की। विकास ऐसा तो नहीं था, तो फिर आज इसे हो क्या गया है? खैर, मैंने उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा और विकास के साथ घर के एक कमरे की तरफ जाने लगा। उस कमरे के दरवाजे तक छोड़कर ही विकास वहां से चला गया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आज विकास के साथ कुछ तो गलत हुआ है। खैर, मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पलंग लगा हुआ था और उसी पलंग के सिरहाने में एक कांच की खिड़की थी, जिससे चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। मैं उसी पलंग पर लेट गया और सफर की थकावट के चलते कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं, ना जाने कितनी देर बाद। मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर के पास वाली खिड़की में कोई बाहर से दस्तक दे रहा था। मैंने तुरंत खिड़की की ओर देखा तो पाया कि खिड़की के बाहर विकास खड़ा है और वो मुझे खिड़की खोलने के लिए बोल रहा है। मैंने तुरंत खिड़की के कांच को सरकाया तो उधर से विकास बोला, जल्दी बाहर आ, यहाँ इसी खिड़की से आ जा। चूंकि वो खिड़की काफी बड़ी थी तो मैं उसी से बाहर निकल गया। मेरे बाहर निकलते ही विकास बोला, तू यहां कैसे आया इतनी दूर? विकास की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रहा है, जिस पर मैंने कहा, तू ही तो यहां लेकर आया मुझे अपनी बाइक से। इस पर विकास बोला, तू जल्दी चल यहां से, मेरे पास कोई बाइक है ही नहीं और ये मेरा घर नहीं है,
विकास की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। खैर, मैं विकास के साथ उस घर से दूर जाने लगा। तभी रास्ते पर चलते हुए विकास ने कहा, तू जिस विकास के साथ यहाँ आया ना, वो बस एक छलावा था। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तू मारा जाता। दरअसल यहाँ बहुत सी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, उस घर में बहुत से लोग मर चुके हैं। आगे विकास ने बताया कि वो मुझे फोन करने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर मेरा फोन लग ही नहीं रहा था। विकास मुझे देखने के लिए चौक पर भी गया था, मगर मैं उसे वहां पर मिला ही नहीं। तो वो समझ गया कि मैं कहाँ मिलूंगा, इसलिए वो अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाने आ गया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। विकास की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि क्यों बाइक पर मुझे काफी तेज ठंड लग रही थी और क्यों वो विकास मुझसे अजीब तरीके का बर्ताव कर रहा था। खैर, उस रात मेरी जान बच गई, यही काफी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।